ईशा किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लावा ब्रेड, चौको लावा ब्रेड बताएंगे। ब्रेड बनाना नहीं बताएंगे, पर उससे ब्रेड एक तरह से ये डिश है, स्वीट डिश की तरह बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, ब्रेड लेना है और कोई भी अगर आपके पास कटर है तो उससे, नहीं तो कोई कटोरी से ऐसे काट लीजिए ब्रेड को राउंड राउंड। इसी तरह जितनी ब्रेड आपको बनानी है आप काट लीजिए। फ्रेंड गोल कट करने के बाद इसको हल्का सा आप ऐसे दबा लीजिए। फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, अगर बासी रहेगी तो नहीं बन पाएगा। इस तरह ऐसे बस पतला कर लीजिए। फिर इसमें आपको मेल्टेड चॉकलेट रखना है, कोई भी आप डेरी मिल्क रखिए या डार्क चॉकलेट रखिए, आपको जो रखना है आप वो रख सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा और फिर इसमें ऐसे पानी लगा दीजिए। और ये माइक्रोवेव में नहीं बनेगा, ये गैस पे ही बनेगा। बस आप देखिए ये कैसे बनता है। अच्छे से इधर पानी लगा के इसको ऐसे होल्ड कर देना है। इसको अच्छे से दबा दीजिए जिसमें खुले नहीं। इसी तरह दूसरा बनेगा। फ्रेंड इसको ऐसे आप फोक से दबा दीजिएगा जिसमें ये ओपन ना हो। और जितना आपको बनाना है आप इस तरह तैयार कर लीजिए। और मैंने गैस पे फ्राई पैन चढ़ा दिया है, मतलब गर्म हो गया है वो। उसमें बटर डाल दिया है, बटर में ही सेकिएगा क्योंकि बटर से फ्लेवर इसका अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। कोशिश यही करिएगा। पैन गरम हो गया है, अब इसमें हम इसको एक एक करके ऐसे रख देंगे। देखिए फ्रेंड इसको दोनों तरफ से ऐसे बना सेक लेंगे। इसमें देखिए ज़्यादा भर दिया था मैंने चॉकलेट से, ये ओपन होके लिक्विड इसका निकल रहा है। बस ये हो गया है। चलिए प्लेटिंग करते हैं, गैस ऑफ कर देंगे। फ्रेंड देखिए ब्रेड चोकोलावा बन के तैयार है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप ऐसे ही खा सकते हैं, पर हमने सोचा इस पर थोड़ा सा ये चॉकलेट मेल्ट करके ऐसे इस पर डाल दीजिए। अगर वो पाइपिंग से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड थोड़ी सी ये व्हिप क्रीम है, इसको आप ऐसे डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है फ्रेंड, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बना के खाइए, खूब टेस्टी लगेगा। ये ऐसे ही टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा ये स्प्रिंकल कर रहे हैं चॉकलेट का वो है, आप ये भी ऑप्शनल है अगर आपका मन करे तो, नहीं तो नहीं। अब बस इस तरह आप इसको सर्व कीजिए और गर्म गर्म खाइए। गरम खाइए आप या ठंडा खाइए फ्रेंड, पर जैसा भी खाएंगे आपको टेस्टी ही लगेगा। तो फ्रेंड देखिए बन के तैयार है ब्रेड चोकोलावा। अब बच्चे अगर बोलते हैं मम्मी कुछ मीठा बनाओ तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दो मिनट में ये बन जाएगा ब्रेड चोकोलावा। बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बच्चे खुश हो जाएंगे, सभी बच्चों को पसंद आएगा, बच्चे बड़े सभी को ये चीज़ पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।